दो दशक से अधिक समय तक लगभग 170 फिल्मों में जिंदगी के हर फलसफे और जीवन के हर रंग पर गीत लिखने वाले शैलेंद्र के गीतों में हर मनुष्य स्वयं को ऐसे समाहित सा महसूस करता है जैसे वे गीत उसी के लिए लिखा गया हो। अपने गीतों की रचना की प्रेरणा उन्हें मुंबई के जुहू बीच पर सुबह की सैर के दौरान मिलती थी। चाहे जीवन की कोई साधारण सी बात क्यों न हो, वे अपने गीतों के जरिए जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करते थे। पश्चिमी पंजाब के रावलपिंडी शहर अब पाकिस्तान में 30 अगस्त 1923 को जन्मे शंकर दास केसरी लाल उर्फ शैलेंद्र अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके बचपन में ही उनका परिवार रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला आया, जहां उनकी माता पार्वती देवी की मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उनका ईश्वर पर से सदा के लिए विश्वास उठ गया। अपने परिवार की घिसी पिट्टी परंपरा को निभाते हुए शैलेंद्र ने वर्ष 1947 में अपने कैरियर की शुरुआत मुंबई में रेलवे की नौकरी से की। उनका मानना था कि सरकारी नौकरी करने से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। रेलवे की नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। ऑफिस में अपने काम के समय भी वे अपना ज्यादातर समय कविता लिखने में ही बिताया करते थे, जिसके कारण उनके अधिकारी उनसे नाराज रहते थे। इस बीच शैलेंद्र देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ गए और अपनी कविता के जरिए वे लोगों में जागृति पैदा करने लगे। उन दिनों उनकी कविता जलता है पंजाब .a काफी सुर्खियों में आ गई थी। शैलेंद्र कई समारोह में यह कविता सुनाया करते थे। गीतकार के रूप में शैलेंद्र ने अपना पहला गीत वर्ष 1949 में प्रदर्शित राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए बरसात में तुमसे मिले हम सजन लिखा था। इसे संयोग ही कहा जाए कि फिल्म बरसात से ही बतौर संगीतकार शंकर जयकिशन ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद शैलेंद्र डॉट राज कपूर के चहेते गीतकार बन गए। इसके बाद शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी ने कई फिल्में एक साथ की। इन फिल्मों में आवारा आह डॉट श्री 420 चोरी चोरी अनाडी जिस देश में गंगा बहती है संगम तीसरी कसम डॉट अराउंड द वर्ल्ड डॉट दीवाना सपनों का सौदागर और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में शामिल है। राज कपूर के साथ शैलेंद्र की मुलाकात एक कवि सम्मेलन के दौरान हुई थी। राज कपूर को शैलेंद्र के गाने का अंदाज बहुत भाया और उन्हें उसमें भारतीय सिनेमा का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया। राज कपूर ने शैलेंद्र से अपनी फिल्मों के लिए गीत लिखने की इच्छा जाहिर की। शक्तु शैलेंद्र को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने उनकी पेशकश ठुकरा दी, लेकिन बाद में घर की कुछ जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने राज कपूर से दोबारा संपर्क किया और अपनी शर्तों पर ही राज कपूर के साथ काम करना स्वीकार कर लिया। राज कपूर के अलावा शैलेंद्र की जोड़ी निर्माता निर्देशक विमल राय के साथ भी खूब जमी। शैलेंद्र अपने कैरियर के दौरान प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने रहे। वह इंडियन पीपल्स थिएटर इप्टा के भी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। शैलेंद्र को उनके गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शैलेंद्र के सिने सफर में उनकी जोड़ी प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ खूब जमी और उनके बनाए गाने जबरदस्त हिट हुए। शैलेंद्र ने नया बूट पालिश श्री 420 और तीसरी कसम में अभिनय भी किया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म परख 1960 के संवाद भी लिखे थे। शैलेंद्र ने वर्ष 1966 में तीसरी कसम का निर्माण किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी असफलता के बाद उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसके बाद उनके मित्रों ने उन्हें किसी प्रकार का सहयोग करने से इनकार कर दिया। मित्रों की बेरुखी और फिल्म तीसरी कसम की असफलता के बाद उन्हें कई बार दिल का दौरा पड़ा। 13 दिसंबर 1966 को अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को आरके कॉटेज में मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहां मरना यहां दौटा को पूरा करने का वादा किया, लेकिन वह वादा अधूरा ही रहा और अगले ही दिन 14 दिसंबर 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि उसी दिन राज कपूर का जन्मदिन भी था।